हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। एक बार बच्चों, सर्कल सी करना है या कुछ स्ट्रेट लाइन से कुछ पढ़ना है तुम लोगों नहीं सर, सर्कल से कर दो सर। सर आप करा दो अच्छे प्रॉब्लम। सर सर्कल से करते हैं। हाँ सर, सर्कल से करते हैं सर। लेकिन सर आप एक डिफिकल्ट शीट भेज दो सर। आरईई लेवल के क्वेश्चन दे दो सर। सर ये सर जैसे सर आपने पहले मेजर टेस्ट के पहले एक 70 क्वेश्चंस का ट्रिगो का एक वर्कशीट टाइप भेजा था जो मतलब पूरा चैप्टर कवर करता था, तो सर आप वैसा मतलब इनइक्वेशन क्वाड्रेटिक एंड लाइक जैसे अब स्ट्रेट लाइन वो सब देख सकते हैं क्या? तो जैसे MT1 के पहले आपने एक मॉडल पेपर भेजा था ना, वैसा एक भेज दो। हाँ एक ट्रिगो का भेजा था आपने सर, 70 क्वेश्चंस का। यस सर प्लीज भेज दीजिए। सबका एक मिक्स भेज सकते हो तो अच्छा रहेगा। यार वो जो मेरी टीम उसने वो बनाया था ना उस वक्त, वो इस वक्त ना उसमें बिजी है जो वो ऐप बना रहे हैं, तो मैं देखता हूँ उन लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास कुछ बना हुआ है तो। आई हैव अ टीम व्हिच इज वर्किंग ना, तो वो दे आर क्रिएटिंग दैट एंड दैट हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू दिस वन असाइनमेंट। आई वुड नॉट आस्क देम टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम देयर। वो एक ऐसी चीज है वो पूरे बचे हुए टाइम के लिए हमारी मुसीबत सॉल्व कर सकती है। I want that to be finished first. So let me see what I can do. हाँ, तो अभी circle करना, straight lines करना क्या plan है मुझे? तो circle ही कर दो sir. Continue करें sir. आपको जैसा लगे वैसा करो। अच्छे sums करा दीजिए। Revise करा दो sir. Circle ही करा दो। आपको लगा कि revision जरूरी है तो revision करा होगा। Yes sir. नहीं तो फिर syllabus ही आप आपके हिसाब से करा दीजिए। Sir slow बनाएं। मैं वो हाथ खड़ा करूँ। क्या sir? जितने लोगों को circles करना है हाथ खड़ा करो। बस अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चों, 30% बच्चे तो सर्कल्स मांग ही रहे हैं, तो सर्कल्स ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 70% नहीं नहीं मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए जब 30% जन 35 1/3 जनता कह रही है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो नेक्स्ट चैप्टर ही करना चाहिए। चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम वो सब सीखा था, टी इक्वल टू जीरो से टेंजेंट आता है, एक तो हमने टेंजेंट निकालना सीखा था। टेंजेंट के तीन निकालने के तीन तरीके सीखे थे, याद आया? यस सर। यस सर।
करो लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करने पड़ सकते हैं, लास्ट टाइम के नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, खोल के देखना। हाँ, ए वाले का सोल्यूशन आ गया। हाँ सर, यही आ रहा है पहले वाले का। यस और नो? यस यस सर। देखो पहले वाले से किसी को बच्चे को परेशानी, लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करें, ग्रुप पर सेंड भी किया है बच्चों ने। लास्ट टाइम के नोट्स रिफर करें। हाँ, बी वाला हुआ, बी वाला कैसे करेंगे? बी वाला आया ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। सबको याद आया ये? T equal to 0,
Do you remember this class? We applied x1 plus t equal to 0 using which point? Using 1, 1 with respect to which circle C. तो उसमें x square को x x one, y square को y y one. देखो जरा last time के notes अपने जल्दी से अगर किसी को भी कुछ yes, sir. क्या आंसर आता है इसका? 3x plus 4y minus 7 equal to 0. Correct. C part करो. Equation of tangents from 4, 4. सर ये वाला टाइप 3 हो जाएगा राइट करेक्ट यही है ना यस यस सर तो स्लोप ऑफ सीपी कितना हो गया हियर पॉइंट पी इज 4, 4 सी विच इज सेंटर कितना है -2, -2 तो स्लोप ऑफ सीपी विल बी Seven by six. Radius कितना है? I think 5 आया. हाँ yes sir. 5 है. G square plus F square minus C. 5. और root S one निकालो. वो कितना है? +4 × 4 + 6 × 4 - 12. सर 60 आ जाएगा अंडर रूट सर 12 आएगा हाँ सर 60 और 2√15 आंसर आ जाएगा यस चले आगे यस सर कोई बच्चा परेशान देख लो नो सर चले यस सर अच्छा अब नेक्स्ट सेटिंग डालो लेंथ
of chord. एक मिनट. करो. Done, sir. Sir, wait, sir. Sir, 2 minutes. हाँ बच्चों करें. सर 2 मिनट. सर 2 मिनट. पहले मीनिंग तो समझ ले, कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में. ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है. और अपने को ये कॉर्ड का लेंथ चाहिए. दिख रहा है सबको? यस सर. तो कई लोग ऐसे करने की कोशिश कर रहे होंगे, सर्कल को लाइन से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? सर्कल को लाइन से सॉल्व किया, दो पॉइंट निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये कर रहे होंगे ना? अगर सर्कल का सेंटर हम लोग निकाल लें, if we are able to find the center of the circle, ध्यान दो सेंटर शायद इसका जो भी है, let's say C, और सेंटर से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ, क्या करेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बाइसेक्ट करेगा, और फिर हम लोग ना इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. ये जो ट्रायंगल है, देख रहे? यस. तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये रेडियस आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ द कॉर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास. लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. यस सर. बना रहा है? यस सर. एवरीबॉडी नोट दिस डाउन.
सर आपने पी एक लेंथ ली है क्या आपने करेक्ट पी इज दैट परपेंडिकुलर हां डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट रेंजिंग इज जल्दी निकालो आंसर कितना आ रहा है लेंथ ऑफ द क्वाड का सर 8 टाइम्स रूट 6 बाय 5 आ रहा यस सर सो पी पहले तो पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालना है सेंटर कितना है इसका 2,1 तो 2,1 से थ्री बाय रूट फाइव आ रहा है करेक्ट यस सर रेडियस कितना आया रूट ट्वेंटी वन तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टू रूट 94/5 कितना सर टू टाइम्स रूट 96/4 यस सर 96/5 सबको लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया यस सर कोई बच्चा परेशान नो सर चले आगे सर एक मिनट सर हेलो सर नोटेड सर जो आपने मेथड वन बताया वो भी सही था ना लेकिन बस हमें वो एक जनरल फॉर्मूला नहीं दे रहा था ना और लेंथी हो रहा था बहुत हां लेंथी है यस ओके चलें आगे बच्चों यस यस सर हां सर चलो जी नेक्स्ट सेकंड डालो पेयर ऑफ टेंजेंट्स देखो बच्चों ये जो सर्कल है इसके बाहर एक पॉइंट अगर x1 y1 है यहां से कितने टेंजेंट बनते हैं दो बनेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है दो टेंजेंट्स बनेंगे ये जो दो टेंजेंट्स होंगे इनकी इक्वेशन निकालना तो सीख ही चुके हो आप लोग आया ना यस सर हाँ इनकी ना कंबाइंड इक्वेशन भी पूछी जाती है देखो सेपरेट इक्वेशन तो इनकी ये होती है अलग अलग जो आप लोगों को अभी बताई थी क्या थी MCB plus R plus minus R by root S1 1 minus plus MCB R root S1 X minus X1 ये minus ये plus correct ये तो separate equation है कोई दिक्कत ही नहीं है पर पता है कभी कभी ना वो इसकी ना ये दो lines है तो do you understand इस pair की combined equation भी पूछ सकता है इस पेयर की इक्वेशन
कंबाइंड इक्वेशन सर, तो सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बैक करके, हां तो ये जो दो आई है इनको मल्टीप्लाई कर लो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हां है ना, हां लेकिन बार बार मल्टीप्लाई करना बहुत मेहनत का काम है। यस सर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना वो फॉर्मूला लिख लो, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आगे कर लेंगे, वो फॉर्मूले का डेरिवेशन मल्टीप्लाई करके नहीं आया क्योंकि मल्टीप्लाई करके बहुत लेंदी हो जाता है, समझ रहे हो? एक और ट्रिक से आया, वो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा आगे। लिख लो फॉर्मूला, ये बनता है, ये देखो ये तो क्या सर्कल का इक्वेशन था, हाँ तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, दिस इनटू देखने में बड़ा है कि नहीं है ये फॉर्मूला? हाँ जनता, सर बट हर टर्म जानी पहचानी लग रही है, जानी पहचानी टर्म है, फॉर्मूला तो बड़ा है लेकिन इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल से आपको समझ में आ जाएगा, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पहचानो जरा ये जो पहला टर्म है ये क्या है? एस। दूसरा टर्म क्या है? एस1। तीसरा क्या है? T1 नहीं होता, T होता है खाली, तो ये होती है। देख लो दिस इज दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल, इसका प्रूफ करा दूंगा अभी, लिख लो। एक गंदा मेथड तो यही है कि ये निकाल लो दोनों, उनको मल्टीप्लाई कर लो, आया ना सबको? गंदा मेथड समझ में आ रहा है ना, इससे दो आंसर आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आया ना? Yes, sir. ये भी समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते तो बैंडविड्थ जाएगा हमारा, हालत खराब होगी कि नहीं होगी? होगी। सो देयर मस्ट बी, सो देयर मस्ट बी अ बेटर ट्रिक, वो बेटर ट्रिक हम कभी आगे सिखा दूंगा मैं। तो जो भी आंसर अभी नोट करो, SS1 = T2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स का, इससे ग्रीन वाले दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आ जाती है। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, आप कैसे ये कंक्लूजन पे पहुंचे SS1 = T2? वो तो आंसर आया, उस आंसर को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये आंसर का प्रूफ बताया ही नहीं, तो मैं कुछ कंक्लूजन कहां निकाला? दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। अच्छा ओके सर, मेरे को लगा आपने प्रूफ बता दिया, सॉरी सर। प्रूफ नहीं बता, पर आंसर यही फॉर्म में मिलेगा। कॉपीड सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे,
कृपया लेक्चर के बीच में मुझे मैसेज ना किया जाए कि जो लेक्चर में अभी पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कुछ बच्चे लेक्चर के बीच में से ही मैसेज कर रहे हैं, सर वो रिवीजन के लिए वो ऐप वो ऐप दे दो ऐप दे दो। भाई जब बन जाएगा मिल जाएगा। खाली इस मेजर टेस्ट के बारे में क्यों सोचते हो यार? वो जो चीज मैंने बनाई वो इससे मेजर टेस्ट नहीं है, वो इतनी मस्त चीज है वो कि तुम्हारा को आगे कितने भी टेस्ट होंगे उस सब के साथ सोचो। सिर्फ मेजर टेस्ट की वजह से, मेजर टेस्ट का डर लग रहा है तो लोगों को अंदर एक्ट वो आगे एनर्जी मेजर टेस्ट के डर के मारे चल। शॉर्ट प्रायोरिटी भी हुई है ना? क्या 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 शॉर्ट प्रायोरिटी भी हुई है ना? हाँ शॉर्ट वो यार वो मैं उसमें मैं प्रूफ रीडिंग नहीं करवाऊँ टीचर से, उसमें कुछ एरर आ गया तो नहीं सर आराम से बनी टेंशन। हाँ जल्दबाजी नहीं, शॉर्ट प्रायोरिटी पे मत ध्यान दो। तो मेजर टेस्ट तो जैसा है जो है, लेकिन इसके और हो सकता है अपने एक दो दिन रुको लेट्स सी। जैसे कुछ बच्चों को लास्ट मिनट रिवीजन की बहुत दिक्कत आती है तो लास्ट मिनट रिवीजन उससे बड़े आराम से हो सकता है, बहुत आराम से इनफैक्ट बहुत अच्छा सा हो जाएगा। जैसे लास्ट के दिनों में क्या करें, लास्ट के दिनों में ना कई बार ऐसा होता है बच्चे से मेरी तैयारी हो गई है पर लास्ट के दिनों में समझ में नहीं आता क्या रिवाइज करूं, पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूं लास्ट के तीन चार दिन में, ऐसी फीलिंग आती है किसी को? आती है सबको आती है, रिवीजन होता है ना आपको पता है बच्चों। ये ना मेरे को एक बार ना आईआईटी में ना स्टैटिस्टिक्स भी एक कोर्स होता है, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स ऐसा मजाक लगता होगा बचपन से अब तक कि क्या है यार वो स्टैटिस्टिक्स कितना गंदा मैथ्स है, लेकिन आईआईटी में पता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। तो तुम्हें पता है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन लोगों ने प्रूव करके दिखाया था कि जो लास्ट के जो 10 से 15 दिन होते हैं ना एग्जाम्स के पहले वाले, वो आपके मार्क्स में अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाने की क्या जरूरत है, मैं ये तो मैं वैसे ही जानता हूँ। क्या सही है क्या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो निकला था ये? होता है कोई बच्चे ने बहुत मेहनत करी बस लास्ट के 5-6 दिन उतनी नहीं की, लास्ट मोमेंट का रिविजन नहीं किया, और एक बच्चे ने लास्ट के 5-6 दिन ही पढ़ के चला गया, वो तो मजे की बात है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं कई बार, फ्रेश माइंड में रहता है ना एकदम। और ऐसा ना बोर्ड्स को लेके, बोर्ड्स में तो आप लोगों ने देखा ही होगा लोग बच्चे लास्ट के 3 महीने में पढ़े बोर्ड्स, तो खैर मजा के लेट्स नॉट, मैंने बोर्ड्स को बोल के ही अपनी मुंह का टेस्ट खराब कर लिया। वो तो है, बोर्ड्स का नाम ही क्यों ले लिया मैंने कुछ मतलब। हाँ जी कंबाइंड इक्वेशन का आंसर निकालो। ये दिख रहा है एस एस वन is equal to t बस सिंप्लीफाई नहीं करना ऐसे छोड़ दो। क्या आंसर आ रहा है? square minus y square is equal to आंसर आया क्या? yes sir ठीक है। Everybody happy? सर 4y plus 1 आएगा first bracket में। ये एक वन का solution है। चलो second का करो। Second का diagram समझाओ। Yes sir. Yes sir. Yes sir. देखो क्या कहानी है। एक पॉइंट है एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट बने, दिख रहे हैं सब बच्चों को? और वो टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर।
इस सर्कल की इक्वेशन पता है? हमें इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है। सबको लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। कैसे स्टार्ट करें जल्दी बताओ? स्क्वायर बने रेडियस ड्रा कर। हाँ पहले पता है हम लोग कुछ दो तरीके से कर सकते हैं। मैं मेथड सब प्योर ज्योमेट्री से ज्यादा जल्दी हो रहा है। हाँ पहले मैं मेथड वन से कर देता हूँ। मेथड वन देखो क्या कह रहा है। क्या हम पीए और पीबी की कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो फिर उसमें a plus b equal to zero करेंगे। Very good, शाबाश, सही पकड़े हैं। सर पर सिंपलीफिकेशन बहुत टफ है। चल, बाइनोमियल पढ़ लिया, एक लाइन में हो जाएगा अब तो। S one मतलब इस पॉइंट को सर्कल में डालना है, समझ रहे हो ना? Yes sir. Is equal to t square. करेक्ट है? यस सर। यस सर, फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन में सिर्फ 4y plus 1 हो ना चाहिए। ये SS1 equal to t square आया 4y plus 1। यस हां SS1 equal to t square आया। अब ये देखो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया, हमें क्या इंश्योर करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x square plus कोफिशिएंट ऑफ y square equal to 0। सर आपने लोकस पढ़ाते हुए कहा था कि x और y में कोई भी इक्वेशन नहीं चाहिए। तो अभी तक कोई इक्वेशन आई नहीं है, ये जो ये यूजलेस है। अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया है, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए और अभी तक एक भी नहीं बनाई है हमने। वी हैव नॉट क्रिएटेड अ सिंगल इक्वेशन टिल नाउ। अब बनाएंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखना, ये देख कौन बच्चा बोल रहा था लेंथी है। देख भाई बाइनोमियल इसी से तो पढ़ रहे हैं अपन लोग, x स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और उधर भी एक x square आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Coefficient of x square एक line में बोल सकते हैं k square minus r square. ध्यान दो, x square plus k square minus r square इधर और उधर x square कट के k square minus r square रह जाएगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से coefficient of y square बताओ। x square minus r square. अब ये बताओ इस इक्वेशन में x और y है क्या? नहीं, तो इसको बोल सकते हैं कि पहली इक्वेशन वाली है। सबको याद आ रहा है ना बच्चों, लोकस में पढ़ाया था ये सब? यस सर पढ़ाया था। x और y डाल देंगे। ये आंसर सर्कल आ रहा है। कई लोगों को ज्योमेट्री से भी सर्कल की फील आ गई होगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये वाला मेथड नोट कर लो। इसी का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं जो कुछ बच्चे ज्योमेट्री से कर रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। जल्दी कॉपी करो उसको क्विक। तो सर POSL यूज किया ना कोई भी है इसको? मैंने इधर POSL यूज किया, मेथड 2 में POSL नहीं यूज करूंगा, कुछ और कर दूंगा। सर अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये मेजर टेस्ट देना है। कौटिल्य भाई इसी बैच में गए? कौटिल्य कौन पूछ रहा है ये सर? अरे मैसेज करके आ रहे हैं बिल्कुल तैयारी नहीं ये ऐसा क्वेश्चन पूछ थोड़ी सकते हैं सर। पर तुम्हें एक तुम नहीं जानते ना, मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें एक बार दिखा दूंगा ना अपने व्हाट्सएप बच्चों के मैसेजेस, तो तुम दंग रह जाओगे। देख बेटा तैयारी ऑफ कोर्स अगर तेरी बिल्कुल बहुत खराब है तो तू घबरा मत। अगर इस बैच में चुपचाप सुन रहा है वो सुन ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तू इस एक चैप्टर प्रिपेयर करके चला जा, बस उसी का एग्जाम अच्छे से दे देना, ठीक है? तेरे मम्मी पापा से मेरी बात करा देना, मैं बोल दूंगा कि भाई आपके बच्चे ने एक ही चैप्टर प्रिपेयर किया था, उसके मार्क्स आ गए हैं, अब ये आगे से अच्छे से कर लेगा, ठीक है? उतना टेंशन मतलब उस तरह से परेशान मत हो, ये बहुत नर्वस हो रहा होगा सब, बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मेजर टेस्ट देना है क्या?
सर एक दो चैप्टर यहाँ हमारे लगाना प्रॉब्लम है, मतलब अगर तेरा तूने उस एक चैप्टर के में भी वो एक चैप्टर तू बता देना चल कि मैं ये एक चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ बस, उस एक चैप्टर में जो मार्क्स आएंगे वही देख लेंगे, फिर बाकी के पढ़ने का एग्जाम्पल बाकी तो फिर वो यूज कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं चीज बना रहा हूँ ना बेटा उससे तू आराम से बिल्कुल बैठ के आराम से कर ले जाएगा, घबरा मत, मतलब बिल्कुल इतना ये डिप्रेशन में मत आए इतना कि लेक्चर के बीच में मैसेज कर रहा है, टेंशन बिल्कुल मत ले, ये तो होता रहता है। मैंने खुद तैयारी बच्चों बहुत लेट चालू की थी, इलेवेंथ में जब था मैं, मैंने शुरू का पूरा टाइम वेस्ट किया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मेरे पापा के सामने मतलब मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया था। एक बार 300 नंबर का एग्जाम हुआ था मेरे कोचिंग क्लास का, उसमें से मेरे 4 नंबर आए थे, फिर घर पे जो डांट पड़ी, पर उस डांट को फिर मैंने पॉजिटिवली लिया और फिर मैंने मेहनत करी, पर मैंने बिल्कुल लेवल तो मैंने पूरी वेस्ट की थी ये समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो आप अब नहीं कर सकते, अभी भी आप कर सकते हैं। और मेरे को तो बस सोचो मेरे को तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ा था, मैं तुम्हें कहता रहा हूँ तुम तो आराम से वही वाला टूल यूज कर लेना, कितना मस्त है वो, आराम से तू अपने बैकलॉग वैकलॉग फिनिश कर लेगा, रिविजन कर लेगा, तो तुम लोगों को तो उतनी भी दिक्कत नहीं है। मेरे को तो सोचो पूरी बुक्स वापस पढ़नी पड़ी थी और तो भी हो गया था, ऊपर से मैं सीबीएसई बोर्ड में और था तो मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था। हाँ जी मेथड टू देखो, मेथड टू में क्या होता है, ऐसे सब बच्चे होंगे कि सर मेरा वो एक चैप्टर वीक है, वो एक चैप्टर वो है, क्या करूं, ज्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा। सर ये जो एक एक डाउट था सर, जो टूल बन रहा है सर वो खाली मैथ्स के लिए बन रहा है, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, बायो के लिए भी बनाऊंगा, बायो के लिए भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं जितना एड देखता हूं ना अब कोचिंग्स का उसका, तो मुझे उतना ही गुस्सा चढ़ने लगा है। सबके सब ऐसे बात करते हैं कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट टीचर है, हम बेस्ट टीचर है, अरे तो कभी बच्चे से तो पूछ लो उसकी क्या समस्या है। सर इतने भी कुछ अच्छे नहीं है वो सर। हाँ सर कौन वो जो अनअकैडमी वो सब वेदांत और नहीं यार ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी होंगे। देखो एवरीवन ना सबके अंदर ना एक ईगो होता है, तो सबको ऐसा लगता है मैं बेस्ट टीचर हूँ तो मैं जादू कर दूंगा तो बच्चा चैंपियन बन जाएगा, पर टीचर के जादू करने से बच्चा चैंपियन बनता तो बात ही क्या है, टीचर का काम है पढ़ाना। आप बच्चे के एंगल से सोचो, बच्चा क्यों परेशान है, बच्चा इसलिए परेशान है उसे लास्ट मोमेंट में रिविजन करना, उसे फॉर्मुला शीट चाहिए कहां से आएगी, अब उसने फॉर्मुला शीट बना ली चलो मेहनत करके, पर अब हर फॉर्मुले के हिसाब से क्वेश्चन करना है कहां से करेगा बच्चा, ये सब चीजें होती है। तो देयर इज अ टाइम नाउ दैट पीपल हैव टू रीथिंक अबाउट कि बच्चा क्या चाह रहा है, रादर देन मैं स्टड टीचर हूं, मैं स्टड कोचिंग हूं, मैं स्टड बाइजू हूं, मैं स्टड ये हूं, तो तुम्हारा तुम कोई नहीं हो, सब कोई नहीं हो। हाँ बच्चों इधर देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90 तो तुम्हें देख रहा है बच्चों, ये चौथा वाला भी 90 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ये दोनों रेडियस आ रहे हैं, ये रेडियस आ रहे हैं, तो ये भी कितना हो गया, स्क्वायर बन जाएगा, 90 की वजह से रेक्टेंगल है और ये दोनों आ रहे हैं तो चारों ही आर हो गए। हाँ या ना? अच्छा ये पॉइंट दिख रहा है सबको, 0.0 है। Yes. अच्छा डू यू रियलाइज दैट इफ दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, देन द डायगनल इज वेरी, ये जो डायगनल होगा स्क्वायर का ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कितना होगा, r root 2। अब मुझे बताओ ये h कॉमा k है, इसका ही लोकस चाहिए ना अपने को। यस सर। h कॉमा k का 0.0 से डिस्टेंस r root 2 है। यस सर। यस सर। क्या ये एक सिंगल इक्वेशन है जिसमें h और k और कांस्टेंट्स हैं बस? हां सर। हां सर। यही लोकस है, देखो ये भी वही आंसर आ जाएगा। कई लोगों को लगेगा ये बहुत आसान था सर, यही करा देते पहले, नहीं वो पिछले वाले की प्रैक्टिस भी करानी थी ना इसके लिए। पिछला वाला ध्यान दो, ये जो शेप आया इस शेप को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो बच्चों, क्या शेप है जल्दी बताओ, सर्कल। सर्कल। अमेजिंग, सर्कल सही पकड़े हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस पे राइट सर। करेक्ट, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या ओरिजिन सर्कल का है या कुछ चेंज हुआ है सेंटर? ओरिजिन ओरिजिन ही है, ओरिजिन ही रहेगा, ओरिजिन ही, ओरिजिन ही रहेगा। रेडियस r root 2, रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ा। देखो सच दिस सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। हां दिस सर्कल इज कॉल्ड, नाम है इसका डायरेक्टर सर्कल,
जब आईआईटी जाओगे एरोस्पेस ब्रांच वगैरह में जाओगे तो जहां उस सैटेलाइट वगैरह की या स्पेस में जो प्रोब होते हैं ना, तो बेसिकली अगर आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ गए तो आपको सैटर्न के जो रिंग्स हैं उसमें से एक रिंग होता है। चलो छोड़ो क्या डिस्कशन करना है। कुछ मेरे को भी बेटा उतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन जितना पता है उस सबसे कि एक सर्टेन उसके जो रिंग्स होते हैं ना सैटर्न के, सर्टेन उस रिंग के बीच में एक सर्टेन रिंग होता है जो ऐसे डायरेक्टर सर्कल में होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं सर्च करके बताऊंगा। अच्छा, दिस सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है? कॉन्सेंट्रिक विद ओरिजिनल सर्कल, एनी पॉइंट फॉर्म्स परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ओरिजिनल सर्कल। दूसरा हैज रेडियस रूट टू टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। तीसरा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ओरिजिनल सर्कल then they are perpendicular, ठीक है? ये करना जिसको भी फ्यूचर में स्पेस रिसर्च वगैरह इस सब फील्ड में जाना है, कृपया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करें, पक्के से करें, चाहे दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दें। क्योंकि पूरा इसी का ही रोल रहता है, ये और फिजिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स विथ फिजिक्स एंड कैलकुलस इज योर पूरा नासा का जब टेस्ट होता है तो उसमें यही सब आता है, यही तीनों पोर्शन आते हैं, फिजिक्स का पोर्शन आता है, मैकेनिक्स का। डन सर। डन सर। वेट सर, इंतजार कीजिए। हो गया सर? एक मिनट। हाँ सर, एक लाइन में आंसर लिख दूंगा। रेडियस होता है 2² + 4 + 9 = 13 + रेडियस कितना है इसका? √14 और इसका √28 हो जाएगा। चले वेट सर, वेट कॉपी कर लो कोई जल्दी नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है सर्कल उतना मुश्किल नहीं है? कितने लोगों को फील आ रही है सर्कल स्ट्रेट लाइन से आसान है? आ रही है? यस सर। अब तक तो आ रही है, पर वो हमने स्ट्रेट लाइन सर, सर्कल में वजह से आए सब फॉर्मूलास रिपीट होते हैं वो। करेक्ट, सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन से कम नहीं तो 100 टाइम्स इजी है, और सर्कल से भी ज्यादा इजी अगला चैप्टर आएगा पैराबोला, तो अब चैप्टर और इजी होते जाते हैं। सर एक डाउट था सर। सर अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सारे चैप्टर आप वाले ट्रैक पे होंगे ना? नहीं, किसने कहा?
क्योंकि सर सर फंक्शंस चालू करने वाले कैलकुलस स्टार्ट करने वाले बोले सर को थोड़ा इस पोर्शन में उतना वो नहीं है ना तो कोई नहीं सर का कैलकुलस स्टार्ट हो रहा अच्छी बात देखते हैं किस तरह से प्लानिंग होगी हो सकता है हफ्ते में 6 दिन लेक्चर लगाने पड़े तुम्हारे हां सर हां सर टाइम नहीं है पीछे सिलेबस में है क्या कह रहे हो बेटा इतना पीछे है क्या हम सिलेबस में उतना पीछे नहीं है तुम ये समझो कि हमारे अगर नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से देखेंगे ना तो हम लोग उसी लेवल पे ही हैं पर शुरू शुरू में आपको याद है बच्चों हमारे डेढ़ घंटे के दो ही लेक्चर होते थे यस सर बहुत टाइम गया वहां पे लेकिन उसमें आप कुछ वो भी नहीं कह सकते हम लोग एडजस्ट हुए चीजें समझे तो ठीक है आप कुछ नहीं स्पीड बढ़ जाएगी वो तो ऐसा कुछ इशू नहीं है तो है बड़ी हाँ बड़ी हुई है चलो जी डायरेक्टर सर्कल आ गया आगे चले कोई बच्चा यहाँ तक परेशान नो नहीं सर नो सर अच्छा नेक्स्ट देखो सर ये इतने सारे लोगों ने हैंड रेज क्यों कर रखा है एक सेकंड सर आई गेस आपने पूछा था ना सर्कल इजी है कि डिफिकल्ट इसके लिए क्या होगा हाँ उसके लिए क्या होगा एक सेकंड नेक्स्ट सेटिंग डालो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो नहीं नहीं उसके पहले अब बच्चों एक चीज देखो हाँ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये बड़ी मजेदार सी चीज है बहुत इजी सी चीज है और इसके ऊपर इसी साल जेई मेंस में क्वेश्चन आया है काफी इजी चीज है ये देखो ये सर्कल समझ में आ रहा है देखा अब ये जो सर्कल है तुम्हें दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है जी सर इस लेंथ को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं आधा घंटा लगता है उसको भरने के लिए सर आपकी आवाज नहीं किसी के घर में बातें चल रही है बेचारे का माइक ऑन हो गया मैंने तो वेटिंग रूम में डाल दिया बच्चों ये जो लेंथ होती है ना दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ये जो लेंथ आती है समझ में आ रहा है तो ये जो सर्कल है इसका फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट करो अगर पूरा साइड नेगेटिव बच्चों एक चीज और सुनो ये जो लेंथ है ना दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर नहीं है स्ट्रेट लाइन में आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता था नेगेटिव कोऑर्डिनेट यस सर कोऑर्डिनेट होता था पॉइंट लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होगा इसमें तो ये जो है लेंथ लेंथ सही है अपने इट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस व्हाट इज इट इट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट का डेफिनेशन अलग होगा हां अनफॉर्चूनेटली ओके लेकिन वो भी इंटरसेप्ट भी तो लेंथ ही होता था वो ओरिजिन से नहीं उधर नेगेटिव भी हो सकता था स्ट्रेट लाइन में याद करो एक लाइन है इसका x इंटरसेप्ट -3 और y इंटरसेप्ट 4 है उसमें स्ट्रेट लाइन पर -3 प्लस y / 4 आती थी यस सर अब बीमारी थी ये अलग बीमारी है सर वो पॉइंट का था सर ये तो लाइन है उसमें नॉर्मल फॉर्म का प्रयोग करते थे x एक्सिस
एंड वाई एक्सिस। करो आंसर बता दूं, क्या आंसर लाना है सर? टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी और टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी। सब लोगों करने दो जरा। ओके सर। करो और इस आंसर को याद रखना। ओके हो गया सर। डन सर। सर एक सेकंड रुकिए ना। डन सर। डन सर। हो गया? यस सर। यस। कैसे करेंगे सर? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स ढूंढना है। डिफरेंस ऑफ रूट्स पहले मैं y को 0 डाल दूं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डाल दूं। y को 0 डालते ही ये क्वाड्रेटिक आ गई। वर वी एक्सपेक्टिंग अ क्वाड्रेटिक? यस, बिकॉज़ देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। एक पॉइंट x1, 0 है, एक पॉइंट x2, 0 है। व्हाट वी नीड इज नॉट x1 नॉट x2, वी नीड mod of x2, minus 1. How do you find difference of the roots? Sum of roots minus. सबको समझ में आ रहा है बच्चों ये लॉजिक? So this will be minus 2g का whole square minus 4c, which is 2 root g square minus c. सही है ना? Yes sir. Yes. दूसरा वाला भी आ जाएगा। नोट कर लो एंड ऑफ कोर्स याद रख लो, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। यस और नो? अच्छा भाई, एक इम्पोर्टेंट बात देखो जरा, ये हाँ, अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो क्या होगा? टचिंग द सी टच करेगा, इट विल एक्ट एज अ टेंजेंट, टचेस एक्स एक्सिस।
f square equal to c हो जाए तो circle this is y circle this is y अच्छा what if g square is less than c सर्कल एक्स एक्स नहीं करेगा हवा में निकल जाएगा देखो जैसे ये पिंक वाला सर्कल है ना ये देखो देख रहा है पिंक वाला सर्कल एक्स एक्स तो कट ही नहीं कर रहा ये देखो ठीक है तो सर्कल ऐसे हवा में निकल जाएगा तो जी स्क्वायर लेस देन सी पे सर्कल does not cut or touch x-axis. Clarity है बच्चों ये अच्छा इसी का भाई एक और आएगा अभी क्या square less than c उसमें भी लिख लो क्या होगा circle does not cut or touch y axis correct hai? sir ha sir hum ye length of chord se bhi kar sakte the na ha bilkul length of the chord se bhi kar sakte the करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड से बताओ इसे पता है जी पता चलो पहले कॉपी कर लो इसको कई बच्चे बोल रहे हैं सर लेंथ ऑफ द कॉर्ड से भी तो इसका आंसर निकाल सकते थे बिल्कुल निकाल सकते थे अभी निकाल देते हैं चले यस सर जिसको कॉर्ड की लेंथ से करना है यही क्वेश्चन कौन सा वाला एक्स इंटरसेप्ट निकाल दूंगा कॉर्ड की लेंथ से जो चाहिए एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो 2√r² - t² वाला फंडा होता है हाँ या ना दोस्तों yes, ये सेंटर माइनस जी माइनस एफ सब लोग समझ गए यस ओके सबको ये दिख रहा है ये रेडियस होगा रेडियस कितना होगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी करेक्ट यस सर सबको ये दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होता होगा कितना होगा ये परपेंडिकुलर जल्दी बताओ एफ स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर एफ नहीं मॉड एफ जी स्क्वायर हां मॉड एफ हां वही रूट एक्स स्क्वायर मॉड यार मॉड एफ इसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का मॉड तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 2 रूट r square minus p square आ गया आंसर हाँ सर सही है यस सर क्लास की जनता यस सर समझ में आया यस यस सर कोई भी बच्चा दुखी यहाँ तक
ये करो क्वेश्चन जेई का. डायग्राम का मीनिंग समझाऊं? देखो मीनिंग समझाऊं? सर आप करते हो आंसर लिख सकते हो चेक कर दो मिनट में दो मिनट सर अच्छा मीनिंग नहीं बताऊं ठीक है तो दो मिनट दीजिए सर उसके बाद
हो गया सर, हो गया। देखो डायग्राम का मीनिंग समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई एक रॉड है, जिसकी लेंथ क्या है, कितनी लेंथ है, टू है। एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, टू बी। ऐसे स्लाइड कर रहे हो, जस्ट आंसर बता देंगे क्या, चेक करने, क्या हुआ, आंसर बता देंगे सर, बताता हूँ ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स से ये डी है, और इसकी लेंथ टू है, इसकी लेंथ टू बी है। अब हमें क्या करना है, इन चारों से जो सर्कल पास कर रहा है बन गया क्या, चारों से सर्कल जो पास कर रहा है उसका क्या करना है, जी उसके सेंटर का लोकस, तो लेट द सेंटर भाई साहब बी एच कॉमा के, करेक्ट सर। हाँ तो सबको दिख रहा है ये एक्स इंटरसेप्ट है, यस सर। सो टू ए इज इक्वल टू टू रूट रूट एच कॉमा, हाँ g is minus h only ना भाई, yes. minus g is h, yes sir, तो g is minus h। क्या r उसने क्वेश्चन में दिया है, no 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 sir, c होगा ना, r थोड़ी होगा, हाँ r square, ओ sorry sir, c होता है ना, c, ठीक है ठीक, हाँ भाई two root g square minus c, समझ में आया सबको, yes sir। Do you realize c is an extra variable that we have taken in the question, dekha, yes sir, yes sir। To kitne relation banane padenge, bas aur ek, ek aur ek, ek aur banana padega, wo kis se ban jayega, 2b se minus k square, c eliminate karna hai, kya kare, सर मैंने भी यही मेथड से किया, पर एक और मेथड मिला सर, दोनों के रेडियस को इक्वेट कर सकते हैं ना, हाँ सर वो मैंने भी किया, मुझे बताओ क्या शेप है उसकी, बेटा ए एन बी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं आएंगे, अरे वो तो क्वेश्चन में बने हो, एक्स्ट्रा वेरिएबल का है, ओके ओके थैंक यू, समझ गए भाई, हां सर, सर ये जेई मेंस का था ये साल का, ये तो जेई एडवांस का था बहुत साल पहले, अच्छा अच्छा सर, अब लेटेस्ट फेल दिखा सर, रेडियस वाले से कैसे करेंगे, वो तो बोल जाता है जनता एवं जनतीज, चल सकते हैं, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चलो जी नेक्स्ट देखो, अब देखो सर्कल पे
बाहर के एक पॉइंट पी से पूरी दुनिया जानती है कि भैया ये तो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, सबको पता ही है, आया ना? इनफैक्ट yes, दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी भी आती है, आती है कि नहीं? यस सर, दोनों टेंजेंट की टूटी हुई इक्वेशन भी निकालनी आती है ना? Yes. Yes. अच्छा, लेकिन ये जो लाइन है जो ए बी को कनेक्ट करती है, दिख रही है लाइन? दिस लाइन व्हिच कनेक्ट्स ए बी, देखा? दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हेडिंग डाल लो, और इसके ऊपर भी बहुत चीजें आई आ सकती है। सबसे पहले तो स्पॉट ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालना आना चाहिए इंसान को। तो लेट दिस पॉइंट बी x1 y1 एंड लेट दिस सर्कल भी छोटा वाला दे देता हूँ, जो आंसर डिराइव करेंगे वो तो सब सर्कल के लिए लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, हाँ क्वेश्चन है, क्या क्या निकालना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी, इस ए बी को ही हम प्यार से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। बताओ। बताओ। यस सर। तो कोई शॉर्ट वे है क्या इसको करने का? शॉर्ट वे है। क्या सोच रहे? कई लोग सोच रहे होंगे टेंजेंट निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बैंड। हाँ सर, वही वही। यस सर, वो बहुत लॉन्ग वे है। ओके सर, ठीक है।
चलिए सर ट्रिक से सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं एल्टीट्यूड, लेकिन वो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? फिर ट्राई करो चलो जी फिर बाय सर थैंक यू बाय बच्चों बाय सर बाय सर